राजस्थान के करौली जिले के सपोटरा इलाके में पुजारी बाबूलाल वैष्णव को कुछ लोगों ने बुधवार को पेट्रोल डालकर जला दिया था। जयपुर के SMS अस्पताल में इलाज के दौरान गुरुवार को पुजारी की मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी कैलाश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि सपोटरा में बाबूलाल वैष्णव की हत्या अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। सभ्य समाज में ऐसे कृत्य का कोई स्थान नहीं। प्रदेश सरकार इस दुखद समय में शोकाकुल परिवार जनों के साथ है। घटना के प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्यवाही जारी है। गहलोत ने यह भी कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के मुताबिक पीड़ित ने बताया था कि कैलाश मीणा अपने साथियों शंकर, नमो, किशन और राम लखन के साथ मंदिर के बाड़े पर कब्जा कर छप्पर लगा रहा था। उसने विरोध किया तो पेट्रोल डालकर आग लगा दी। उसने बताया कि उसका परिवार मंदिर की 15 बीघा जमीन पर खेती कर अपना गुजारा करता है। गांव थाना सपोटरा के अंतर्गत जो आता है, यहां पर जो घटनाक्रम जो हुआ है बाबूलाल वैष्णव जी के साथ में, उस घटनाक्रम में पुलिस द्वारा उनके मृत्युकालिक कथन जो हुए थे उस पर मुकदमा धारा 307 में दर्ज किया गया था। कल शाम को दुर्भाग्यवश उनकी जो है मृत्यु SMS अस्पताल जयपुर में हो गई थी। मृत्यु के बाद जो उनके मृत्युकालीन कथन जो है उसके अनुरूप जो है धारा 302 IPC का उसमें जो है इजाद मुकदमे में किया गया है। बाबूलाल वैष्णव सपोटरा तहसील के बुकना गांव के पुराने राधा कृष्ण मंदिर में पूजा करते थे। ग्रामीणों ने मंदिर के लिए खेती की जमीन दान दी थी, जो राजस्व रिकॉर्ड में मंदिर माफी में दर्ज है। करीब एक महीने पहले कुछ लोग जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। पुजारी ने पंच पटेलों से इसकी शिकायत की। 4-5 दिन पहले भी गाँव के 100 घरों की बैठक हुई थी, जिसमे पंचों ने पुजारी का समर्थन किया था। पुजारी की मौत की सूचना मिलते ही कई संगठनों के लोग SMS अस्पताल की मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए और उन्होंने मांग की कि मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाए। इस मामले में पूर्व यातायात मंत्री रोहतास शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तब से दलितों व गरीबों पर अत्याचार बढ़े हैं। कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई है गरीबों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, कानून की धज्जियां उड़ाना इस सरकार का कर्म रहा है। भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है और तो और अब मंदिरों की जमीन को भी छीनने का काम इन्होंने हाथ में ले लिया। कुछ गुंडों द्वारा अभी सपोटरा में मंदिर की जमीन को हड़पने के चक्कर में एक वैष्णव पुजारी बाबूलाल जी का जो उनको जिंदा जला दिया और जिनका दयावसान हॉस्पिटल में हो गया, SMS अस्पताल में जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने यह भी कहा, कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और तो राजस्थान में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि करौली के एक मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। यह घटना बेहद शर्मनाक व हृदय को विदारक करने वाली है।